दिस इज लवजीत अरोरा। सो थैंक यू सो मच गाइज आपके इतने सपोर्ट, इतने प्यार के लिए। सो अभी हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं डेटा टाइप्स। सो देखते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच से भी हम लोग इसको करेंगे। देन अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है या फिर लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज पहले वो कीजिए, फिर आकर के आप अपना लेक्चर है जो उसको देखना, अदरवाइज भूल जाओगे। ठीक है, तो चलिए जंप करते हैं एंड देखते हैं डेटा टाइप्स का क्या रोल है प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ में। डैश गाइज, सो अभी हम लोग करने वाले हैं कि कैसे हम लोग टेबल को क्रिएट कर सकते हैं SQL के अंदर। सो गाइज़, यहाँ पर मैंने आपको टेबल को क्रिएट करना बता दिया था, तो अभी हम लोग रूल्स देख लेते हैं और फिर हम लोग इंसर्ट करेंगे वैल्यूज़ को। सो गाइज़, पहला रूल जो मेरे पास यहाँ पर आता है कि जो टेबल का नाम है, यानी कि जो रिलेशन का नाम है जो आप SQL के अंदर करोगे, तो वो अल्फ़ाबेट्स में ही होना चाहिए। जैसे आपको याद आ रहा होगा, आप लोगों ने आइडेंटिफायर्स के रूल पढ़े थे, है ना, आप लोगों ने आइडेंटिफायर्स के रूल पढ़े थे किसमें, पाइथन के अंदर। तो उसमें जो भी आइडेंटिफायर था, जैसे a इज इक्वल्स टू 10, या फिर आप किसी आइडेंटिफायर का नाम ले सकते हो, डेफ, डेफ के बाद में आप फंक्शन का नाम देते हो xyz, तो ये जो रूल्स आप इनके नाम में फॉलो करते थे ना, तो वैसे ही कुछ रूल्स हैं हमें यहाँ पर भी फॉलो करने पड़ेंगे कि हमारे टेबल के नाम के टाइम पर कि अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 1, 2, 3 टेबल का नाम रख दो। ओके, सो इन अ टेबल नेम, ओके, ब्लैंक स्पेस, सिंगल स्पेस, ऐसी कुछ भी चीज़ है जो अलाउ नहीं है। जैसे आप लोगों ने आइडेंटिफायर में आप लोग ऐसे करते थे ए स्पेस ए, ऐसा नहीं कर सकते थे आप। अगर आपको देना है तो आप अंडरस्कोर यूज़ कर सकते थे यहाँ पर, राइट तो वैसे ही हम लोग ब्लैंक स्पेस ये सारी चीज़ें हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। ओके, अंडरस्कोर हम लोग कर सकते हैं इसमें यूज़, ठीक है। रिजर्व वर्ड्स होते हैं जैसे हर लैंग्वेज के, ये भी एक लैंग्वेज है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग रिजर्व वर्ड्स हैं जो RDBMS के, ये सारे हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। ओके, जब हमें टेबल का नाम है जो लिखना है, ठीक है, प्रॉपर डेटा टाइप, हमें उसका साइज, सारी चीज़ें हैं जो हमें मेंशन करनी पड़ती हैं, अदरवाइज़ आपको उसी टाइम पर एरर है जो मिल जाएगा। यूनिक होना चाहिए जो आपकी टेबल का नाम है, ऐसा नहीं है कि डुप्लीकेसी। आपके एक डेटाबेस के अंदर अगर XYZ नाम की टेबल पड़ी है तो आप दूसरी टेबल को XYZ नाम नहीं दे सकते, राइट सो ये सारे के सारे रूल्स हैं आप लोगों के, किसके SQL में जब आप टेबल को क्रिएट करोगे। एक चीज़ जो मैं आपको बता दूं कि आपकी SQL लैंग्वेज है वो नॉन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, मतलब आप कैपिटल फॉर्म में लिखो, स्मॉल फॉर्म में लिखो, इट डजेंट मैटर, बोथ विल बी ट्रीट इक्वली। ओके, बात करेंगे, ये चीज़ हमने कर ली है लास्ट टू लास्ट क्लास के अंदर कि कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं टेबल को, क्रिएट कमांड, उस टेबल का नाम और टेबल और उस टेबल का नाम, राइट फिर रोल नंबर, यानी कि पहला एट्रीब्यूट आपने यहाँ पर दिया, अब आप दूसरा एट्रीब्यूट दे रहे हो, कौन सा, आपने उसका टाइप दे दिया नंबर, राइट फिर आपने क्या किया, यहाँ पर दूसरा एट्रीब्यूट दिया, क्या दिया, नेम, और फिर आपने मार्क्स दे दिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये 3 एट्रीब्यूट हो गए और उनके टाइप यहाँ पर आप मेंशन कर रहे हो। ओके, तो इस तरीके से आप लोग जो टेबल है जो जिसका आप यूज़ करते हो, क्रिएट करते हो, और उस टेबल का नाम आपने क्या दिया, द नेम ऑफ टेबल, दैट इज़ वॉट द स्टूडेंट टेबल। ओके, सो ये चीज़ हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके हैं, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम। सो एट्रीब्यूट 1, 2, 3, 3 एट्रीब्यूट्स आपके पास में हो गए जब आपने इसको डिस्क्राइब किया इस टेबल को, और आपके पास ये 3 जो है शो हो गए, ठीक है। अब इसके अंदर आपके पास इंटीजर और वेर कैर है जो आप यूज़ कर रहे हो, राइट ये चीज़ नॉर्मल थी जो हमने लास्ट क्लास में देखी। अब क्वेश्चन आपके पास ऐसे आ सकता है कि आपको या तो इस तरीके से टेबल है जो दी गई होगी, या फिर आपको इतना पोर्शन है जो दे दिया जाता है, और वो बहुत ही सिंपल होता है कि आपको उसी को देख करके जो टेबल है जो बनानी है, राइट तो अब मैं यहाँ पर क्रिएट करती हूँ टेबल, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, स्टूडेंट का रोल नंबर लिख दिया इंटीजर। तो चलिए इसी को ही हम लोग दोबारा से रन करके देखते हैं, ठीक है।
तो चलिए मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ, कंट्रोल सी किया और मैं जंप करती हूँ यहाँ पर, और अब मैं इसको करूँगी। तो देखो अब मेरे पास क्या हो गया, क्रिएट ओके टेबल, उस टेबल का नाम राइट। तो अब मैं ये ब्रैकेट करूँगी ओपन। अब मैंने एट्रीब्यूट पहला दिया, उसका डेटा टाइप मेंशन कर दिया ठीक है, फिर एडमिशन नंबर मैंने यहाँ पर दिया और उसका मैंने यहाँ पर टाइप दे दिया कि इंटीजर टाइप का होना चाहिए, नेम दे दिया, वेयर केयर दे दिया। अब मार्क्स आने हैं उसके, उसका भी टाइप मुझे मेंशन करना पड़ेगा। ग्रेड्स मैंने दे दिए, कैरेक्टर 30 तक आ सकते हैं, तो यहाँ पर तो मैंने बहुत सारी वेस्टेज कर दी मेमोरी की राइट। तो ग्रेड्स में आप लोग 1 दे सकते थे ठीक है, नहीं तो अब क्या होगा कि मैं अगर ग्रेड ए बी सी डी दे रही हूँ तो पीछे 29 कितना जो मेरे पास स्पेस है वो यहाँ पर वेस्ट हो रहा है ना। तो डेट ऑफ बर्थ आ गया, डेट मेरा डेटा टाइप, सिटी है वेयर केयर दे दिया 30, जेंडर है केयर मैंने 1 दे दिया ओके। सो अब मैंने इसको क्लोज किया, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पर हर के बाद में आपको कॉमा है जो लगाना ही लगाना है, बस ये जो लास्ट है इसके बाद में नहीं लगाना। अब मैंने क्या किया, सेमी कॉलन से यहाँ पर बंद कर दिया, जैसे ही एंटर प्रेस करोगे तो आपको क्वेरी ओके बताएगा। अब मैं अगर इसको देखना चाहूँगी तो मैं ऐसे करूँगी, डिस्क्राइब द नेम ऑफ टेबल दैट इज़ वॉट CLASSV ओके, सो यानी कि 7 क्लास। तो अब मैं सेमी कॉलन यूज़ करूँगी तो मेरे पास पूरी टेबल मुझे देख गए। मैंने इसको कैपिटल फॉर्म में लिखा बिकॉज मैं आपको ये बार बार बताना चाह रही हूँ कि ये जो SQL लैंग्वेज है नॉन केस सेंसिटिव है, तो कैपिटल फॉर्म हो चाहे स्मॉल फॉर्म हो राइट, बोथ विल बी ट्रीट इक्वली। सो गाइज दीज ऑल आर माई एट्रीब्यूट्स देयर, और उनके डेटा टाइप्स हैं जो मुझे साथ साथ दिख रहे हैं। अब ये क्या चीज़ हो गई कि नल की डिफॉल्ट एक्स्ट्रा, तो इनको मैं कंस्ट्रेंट्स कराऊंगी आपको, और उस टाइम पर मैं आपको बताऊंगी कि वट इज़ द यूज़ ऑफ ऑल दीज थिंग्स ओके। सो चलिए अब हम इसके अंदर डेटा को एंटर करते हैं ठीक है। तो डेटा को एंटर करेंगे, उससे पहले कुछ चीज़ें हम लोग जान लेते हैं। जैसे अब इतना करने से ना, इतना करने से आपकी टेबल के एट्रीब्यूट्स हैं जो क्रिएट हो गए ठीक है, ये सारे के सारे। लेकिन जब आपने इसके अंदर डेटा को एंटर करना है तो आपको सीक्वेंस का बहुत अच्छे से ध्यान है जो रखना पड़ेगा। मैं यहाँ पर इस कमांड के बारे में आपको बता चुकी हूँ, अभी हम लोग इंसर्ट इनटू कमांड को देखेंगे, फिर हम सेलेक्ट कमांड का यूज़ है देखेंगे। तो कैसे हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं स्पेसिफिक कॉलम के अंदर अपने डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, डेटा ऑल दी कॉलम्स राइट, सो इंसर्ट कर सकते हैं। कैसे हम लोग नल वैल्यूज राइट, सो इंसर्ट कर सकते हैं। कैसे हम लोग डेट और टाइम को ओके तो एक एक करके सारी चीज़ें हम लोग इसके अंदर करेंगे। सो जंप करते हैं अब हम लोग यहाँ पर, मैंने शायद इसको इंसर्ट किया भी होगा तो यस चलिए हम दोबारा ही लिख लेते हैं सारी चीज़ें जैसे मैंने इसको क्रिएट किया ओके जैसे मैंने इसको, ये वाली मेरी टेबल है तो मैंने इसको निकाला क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पर ना ध्यान रखना पड़ेगा कि इंटीजर है तो सीक्वेंस का मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, इंटीजर है तो इंटीजर का डेटा ही मैं यहाँ पर दे सकती हूँ ठीक है। अब मैं यहाँ पर लेके आ जाती हूँ इसको ठीक है। तो मैं करती हूँ क्या, इंसर्ट ठीक है। अब इंसर्ट किस में इंसर्ट करना है, इनटू द नेम ऑफ टेबल दैट इज़ वॉट CLASS क्लास 7 राइट। तो अब मैं नीचे आ जाती हूँ, इंसर्ट इनटू क्लास, क्या इंसर्ट करना है, मुझे वैल्यूज़ को इंसर्ट करना है ठीक है। अब मैंने इसको ओपन किया तो अब मुझे यहाँ पर पहला है जो इंटीजर ही देना पड़ेगा, मैंने यहाँ पर कोई कीज़ वगैरह का यूज़ नहीं किया है, सिंपल नॉर्मल एक टेबल बनाना सीख रहे हैं। तो मैं यहाँ पर इंसर्ट इनटू टेबल बना ली हमने, अब हम इसमें वैल्यू क्या डालने, मान लो मैंने 101 कर दिया कॉमा, नेक्स्ट भी आपको एडमिशन नंबर देना है, मैंने मान लो 111 कर दिया कॉमा किया। अब नेम मैंने दे दिया वेयर केयर, क्या दिया है नेम, मैंने वेयर केयर दिया है, तो वेयर केयर दिया है तो आपको सिंगल कोट्स यूज़ करने हैं, तो जैसे मैंने दे दिया सलोनी, कुछ भी लिख दिया आपने राइट। सो कॉमा डाला, अब मैं किसकी एंट्री कर रही हूँ कि मुझे मार्क्स एंटर करने हैं, तो अब मैंने दे दिया मान लो 30 मार्क्स, सॉरी इसमें कर दी एंट्री हमने, यस इसमें मैंने दे दिया 30 मार्क्स ठीक है। 30 मार्क्स आपके पास आ गए, कॉमा कर दिया, अब मुझे किसके ग्रेड्स है जो एंटर करने हैं, मैंने एंटर कर दिया ग्रेड है ए
ठीक है, अब मुझे यहाँ पर वन लिखना चाहिए था क्योंकि मेरे बाकी के जो स्पेस है वो मेमोरी वेस्टेज होगा. डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ आपको किस फॉर्म में देना है, आपको यहाँ पर सिंगल कोट के अंदर पहले आपको ईयर लिखना है, जैसे मैंने 1990 लिखा. अब हाइफन का साइन, आप इसमें डॉट का साइन, ये वाले जो साइन है, ओके, स्लैश हम ये भी दे सकते हैं. ठीक है, मैंने 03 लिखा, मंथ लिखा यहाँ पर मान लो 03, और फिर मैं यहाँ पर लिखती हूँ मान लो 4. ठीक है, एक सेकेंड. हाँ, यस, तो अब मैं इसको एक सेकेंड, यस, अब मैंने इतनी चीज़ यहाँ पर लिख दी. ठीक है, इतनी चीज़ मैंने लिख दी यहाँ पर, यस. तो अब मुझे यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के बाद में सिटी लिखनी है. सो मैं, सिटी मेरी वैरकैर में है, तो ऑब्वियसली मैं मान लो दिल्ली लिखती हूँ. ठीक है, दिल्ली मैंने लिख दिया. अब कॉमा डाल करके मैं क्या करती हूँ, जेंडर स्पेसिफाई कर देती हूँ. मैंने जेंडर स्पेसिफाई किया फीमेल, राइट. अब मैं इसको क्लोज करूँगी और यहाँ पर सेमी कॉलन पुट कर दूँगी. तो अभी देखो क्वेरी ओके आ गई. तो अब मैं सेलेक्ट कमांड को देखूँगी, सेलेक्ट स्टार, यानी कि सारी टेबल मुझे देखनी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम द नेम ऑफ टेबल, दैट इज़ वॉट क्लास 7th, राइट, सेमी कॉलन. तो अब ये देखो मेरे पास पूरी टेबल है जो आ गई, और इसमें मैंने एक एंट्री है जो यहाँ पर की. सो कैसे हम लोग सिंगल एंट्री है जो यहाँ पर कर सकते हैं, राइट, कैसे हम लोग यहाँ पर सिंगल एंट्री है जो कर सकते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाई. ठीक है, तो मैंने अभी आपको डिस्क्राइब कमांड करना बता दिया, इंसर्ट कमांड करना बता दिया, सेलेक्ट कमांड करना बता दिया. सो इंसर्ट कर सकते हैं अगर आपको स्पेसिफिक कॉलम के अंदर डेटा को एंटर करना है. ठीक है, मुझे पूरी कॉलम के अंदर डेटा को एंटर नहीं करना है. ठीक है, वो भी मैं आपको बता रही हूँ. तो देखो, इंसर्ट इनटू टेबल वैल्यूज. सो ये रूल्स हैं कि कैरेक्टर वेयर केयर डेट के टाइम पर आपको सिंगल कोट का यूज़ करना है, वैल्यूज़ जो है एक ही ऑर्डर में, मतलब अगर आपने टेबल का एट्रीब्यूट पहला इंटीजर दिया है तो वही वैल्यू है जो उसके अंदर जाएगी इंटीजर टाइप की. डेट का फॉर्मेट है जो आपको याद रखना है, और एकल के लिए आपके पास पहले डेज आते हैं, मंथ आते हैं, फिर ईयर आता है. बट एसक्यूएल के केस में, माई एसक्यूएल के केस में हमारे पास में क्या होगा, पहले ईयर होगा, पहले ईयर होगा, फिर हमारे पास में मंथ, फिर डेज, राइट. तो चलिए, अब ये चीज़ आप लोगों ने कर लिया. अब मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि मुझे अगर एक स्पेसिफिक के अंदर मुझे वैल्यूज़ है जो इंसर्ट करनी है. चलिए उससे पहले ये भी देख लेते कि मल्टीपल वैल्यूज़ को कैसे है जो इंसर्ट कर सकते हैं, राइट. अभी मैं वापस से ओपन करती हूँ. ठीक है, तो मैं इसको एक काम करती हूँ, कॉपी कर लेती हूँ यहाँ पर. ठीक है, इसको नोट पैड में ही कॉपी कर लेते हैं ताकि दैट विल बी ईजी फॉर अस, राइट. इसमें कुछ चेंज हैं जो मुझे करने पड़ेंगे, और वो है ये वाला. ठीक है, अब मैं इसको ओपन करती हूँ पूरा का पूरा. ठीक है, यस, तो अब मैंने वैल्यूज़ को इंसर्ट कर दिया. यस, तो अब मैं और वैल्यूज़ हैं जो मल्टीपल, मतलब ऐसा तो चलेगा नहीं कि मैं एक एक करके वैल्यूज़ को इंसर्ट कर दूँ. तो मैं एक बार, चलिए आपके लिए ही डुप्लीकेट, मतलब यही सेम है क्योंकि प्राइमरी की तो किसी को बनाया नहीं, तो कॉमा डाल के मैं फिर से वही सिक्वेंस है जो यहाँ पर डाल देती हूँ. ठीक है, नेम मैं सलोनी की जगह पर मान लो गीता दे देती हूँ, गीता, राइट. और उसका रोल नंबर मान लो या 101, ओके, यहाँ पर भी 112 दे देती हूँ. तो ऐसे आप लोग क्या कर सकते हो, मल्टीपल वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हो. मैं इसको रिमूव करके यहाँ पर आती हूँ, और यहाँ पर मैं ऐसे जो एंट्री है वो कर देती हूँ. तो देखो, अब मैं इसको कंट्रोल ए कंट्रोल सी करूँगी, यहाँ पर अच्छे से आपको दिख जाएगा क्या है ये. तो देखो, मेरे पास में इंसर्ट इनटू, तो पिछली बार हमने क्या किया था, इंसर्ट इनटू एक ही रो थी जो मैंने इंसर्ट की थी, बट यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, मल्टीपल तीन तीन रोज हैं जो मैं साथ में इंसर्ट कर रही हूँ. तो अगर मैं अब इसको देखती हूँ, जैसे मैंने सेलेक्ट स्टार किया, तो ये मेरे पास डेटा एंट्रीज हैं जो हो चुकी हैं, क्योंकि तो मैं यहाँ पर कोई प्राइमरी की यूज़ कर ही नहीं रही हूँ, तो डुप्लीकेसी हो सकती है, कोई रिस्ट्रिक्शंस है ही नहीं, कंस्ट्रेंट्स का मैंने यूज़ किया ही नहीं है. खाली हम सिर्फ ये सीख रहे हैं कि मल्टीपल रिकॉर्ड्स को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो चलिए अब वापस चलते हैं, जंप करते हैं, और अब नेक्स्ट चीज़ है जो हमारे पास में क्या है, नल वैल्यूज़ को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो ऑफ कोर्स प्राइमरी की वगैरह यूज़ करोगे तो उसमें नल तो आप रख ही नहीं पाओगे, बट यहाँ पर मैंने कोई नल वैल्यू यूज़ की नहीं है, मतलब प्राइमरी की मैंने किसी को रखा ही नहीं है, तो नल वैल्यूज़ आपकी हो सकती है. तो चलिए मैं इंसर्ट करती हूँ स्पेसिफिक कॉलम पर, जैसे कि अब मुझे क्या करना है, हाँ, मैं इसी को ही एक बार ओपन कर लेती हूँ साथ की साथ.
ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ कि मुझे इंसर्ट करना है सेलेक्ट स्टार स्टूडेंट, ठीक है। एक सेकेंड, मुझे इसको इरेज करने दो। मैं क्या करती हूँ, इसमें मुझे चाहिए कि मैं डेटा ना सिर्फ कर रही हूँ नेम का इंसर्ट, और दूसरा क्या था, अगर हम इसको देखें नीचे, और मार्क्स कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोल दिया, मार्क्स, राइट। तो मैं दो चीज़ें हैं जो यहाँ पर इंसर्ट कर रही हूँ, ठीक है। वैल्यूज़ मैंने दे दिया, नेम दे दिया, मान लो मैं देती हूँ लवजीत, राइट, LOVEJEET, और मैं मार्क्स दे देती हूँ उसके 50, राइट। सो 50 मार्क्स मैंने दे दिए, सेमी कॉलन मैंने लगा दिया यहाँ पर। तो अब इसको मैं कंट्रोल सी करके यहाँ पर पेस्ट करती हूँ, तो ठीक है, चल गया। अब मैं इसको सेलेक्ट करके देखती हूँ, तो देखो यार, अब जो बाकी जो डेटा था वो नल आएगा यहाँ पर, ठीक है। मैंने दो ही चीज़ें फिल की हैं स्पेसिफिक कॉलम पर, मतलब मुझे लवजीत और यही मार्क्स से एंटर करने थे, बाकी जगहों पर ये ऑटोमेटिकली नल वैल्यू है जो मुझे देगा, ठीक है। तो ये ऐसे भी हम लोग यूज़ है जो कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप बोलो कि जैसे मैं खुद से चाहूँ कि मैं नल वैल्यू दे सकती हूँ कि नहीं दे सकती हूँ, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे मैं इसको है जो नहीं यूज़ कर रही कि मुझे स्पेसिफिक कॉलम पर नहीं देना है, और इसके लिए मुझे दोबारा से देखना पड़ेगा सीक्वेंस, यस। तो अब मैं क्या कर रही हूँ कि सबसे पहले मैंने दिया सीरियल नंबर, ठीक है, तो मैंने दे दिया 111, ठीक है, 11 दे दिया, या फिर ये 112 दे दिया, ओके। तो अब मैं क्या करती हूँ, नेम, तो नेम में ना मैं नल दे देती हूँ, क्या दे देती हूँ, नल, ठीक है। तो कॉमा किया और हम लोग यहाँ पर नल लिख देते हैं, ठीक है। फिर मैं मार्क्स दे दिए, चलो 50, और मैं यहाँ पर क्या करती हूँ कि ग्रेड्स, ग्रेड्स में मैं दे देती हूँ बी, ठीक है। और मैंने क्या किया, डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ भी मैं क्या करती हूँ, नल दे देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग सिटी है, तो सिटी मान लो दे देते हैं पुणे, राइट, पुणे कर दिया मैंने, और जेंडर मैंने स्पेसिफाई कर दिया फीमेल, राइट, ओके। तो अब इसको हम लोग कॉपी करते हैं, और आपको अब अच्छे से ये दिख भी जाएगा यहाँ पर, जैसे मैंने ये किया। तो अब मैं सेलेक्ट स्टार करके दिखाती हूँ आपको, तो यहाँ पर मैंने अपनी मर्जी से नल वैल्यूज़ हैं जो स्पेसिफाई की हैं, तो कैपिटल स्मॉल का तो कोई चक्कर ही नहीं है आप कि नॉन केस सेंसिटिव है। तो यहाँ पर नेम नल आ गया, और उसकी डेट ऑफ बर्थ है जो नल आ गई, बाकी रिकॉर्ड जो आपने फिल किए किए, तो ये तब हुआ जब मैं अपनी मर्जी से नल है जो स्पेसिफाई कर रही हूँ, कंस्ट्रेंट्स वगैरह आपने यूज़ किए नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पर, जब मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर इंसर्ट कर रही हूँ क्या, नल वैल्यूज़ को, ठीक है। तो हम लोग अपनी तरफ से भी नल वैल्यूज़ हैं जो स्पेसिफाई कर सकते हैं, फाइन। सो ये हमारा था कैसे हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं वैल्यूज़ को, स्पेसिफिक कॉलम्स को हम लोग कैसे देख सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर जानेंगे कि कैसे हम लोग ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर को चेंज, जैसे मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर करूँ सेलेक्ट सेलेक्ट, और मैं सिर्फ नेम है जो देखना, नेम है, और मैं चाहती हूँ मार्क्स, तो मैं एक तरीके से ऑर्डर भी चेंज कर रही हूँ, राइट। सेलेक्ट नेम मार्क्स फ्रॉम द नेम ऑफ टेबल, क्लास मैंने 7th कर दिया। अब देखो सिर्फ वही मुझे यहाँ पर रिकॉर्ड है जो दिखे हैं, एक तरीके से ऑर्डर भी तो चेंज कर दिया हमने, राइट। तो ये भी चीज़ें हैं जो इसके अंदर पॉसिबल हैं। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि ये चीज़ देखो क्या हुआ, आपने सेलेक्ट स्टार, तो आपको पूरी की पूरी टेबल है जो आपको देखनी है यहाँ पर, ठीक है, स्टार का मतलब, और मुझे डिज़ायरेबल ये देखने हैं, ऑर्डर चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी सेलेक्ट कमांड के थ्रू हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो देखेंगे, वेयर क्लाउज का यूज़, रिलेशनल ऑपरेटर, कॉलम्स का, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। होपफुली गाइज आप लोग मेरी ये जो लेक्चर सीरीज है इसको इन्जॉय कर रहे होंगे, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड जितना हो सके उतना शेयर करो, क्योंकि आपका शेयर करना ही सबसे बड़ा सपोर्ट होगा मेरे लिए। सो बाय बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।